हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KRS क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अवर नेक्स्ट सम फ्रॉम योर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। सो दिस सम यू विल गेट ऑन पेज नंबर 164 चैप्टर 3 अकाउंट। ओके, सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 इज एज फॉलोज। सो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स आर मेधा एंड राधा, देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। सो स्टूडेंट, कहाँ पे मिलेगा आपको ये सम? आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 164 में, चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पेज नंबर 164, क्वेश्चन नंबर 7। तो वहाँ पे बाद में बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31st मार्च 2018। सी व्हाट इज आस्क, नीचे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो ड्रॉ लाइक दिस फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स मेधा, राधा एंड कृतिका, न्यू पार्टनर बोथ साइड्स, एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 1st अप्रैल 2018, डेट ऑन विच न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म। सी मार्क एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट, सी कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1st अप्रैल 2018, शी विल पे ₹40,000 एज हर कैपिटल एंड सम शेयर फॉर गुडविल। ओके, वो एडजस्टमेंट का इफेक्ट हम बाद में देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट RDD, सो मार्क टू डेटर्स, असेट साइड में कैश के नीचे सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, वहाँ पे मार्क कर लीजिए एडजस्टमेंट नंबर 2। थर्ड मार्क टू फर्नीचर, फोर्थ मार्क टू स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, फिफ्थ एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे हमने लास्ट सम में देखा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे भी आपको कैपिटल एडजस्ट करना है, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सी हियर वर्किंग नोट, मेक अ वर्किंग नोट कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे हम हर बार करते हैं उसी तरह से आपको पहले क्या करना है, बैलेंस ऑफ वन निकालना है। बैलेंस ऑफ वन इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही दिया हुआ है। कृतिका का शेयर है 1/5। सो बैलेंस ऑफ वन, 1 माइनस शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर, दैट इज 1 माइनस 1/5। तो बैलेंस ऑफ वन क्या आ गया, 4/5, यानी जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो हम माइनस करते हैं, तो जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ वन। इसका यूज करके हम क्या निकालते हैं, न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो मेधा न्यू रेशियो, मेधा का न्यू रेशियो क्या आएगा, उसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ वन। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1, यानी 3/4 एंड 1/4। तो मेधाज न्यू रेशियो इज इक्वल टू, उसका ओल्ड रेशियो क्या है, 3/4 इंटू ये बैलेंस ऑफ वन, दैट इज 4/5। सो ये 4 गया, तो क्या आ गया न्यू रेशियो उसका, 3/5, ये मेधा का न्यू रेशियो आ गया। नाउ सेम वे कृतिका, सॉरी राधाज न्यू रेशियो इक्वल टू, उसका ओल्ड रेशियो क्या है, 1/4 इंटू बैलेंस ऑफ वन। ये जो बैलेंस ऑफ वन आया उससे मल्टीप्लाई करना है आपको ओल्ड रेशियो से, तो क्या मिल जाता है, न्यू रेशियो। सो 1/4 ये राधा का ओल्ड रेशियो इंटू दिस बैलेंस ऑफ वन, 4/5, ये 4 गया, तो क्या आ गया, 1/5। और कृतिका का रेशियो तो दिया हुआ ही है 1/5। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया, 3/5:1/5:1/5। ये देखो, सो न्यू रेशियो कितना आ गया, 3:1:1। न्यू रेशियो मिल गया हमें 3/5:1/5:1/5, यानी 3:1:1, ये क्या आ गया, न्यू रेशियो। ओके, एक वर्किंग नोट हो गई हमारे। नाउ सी स्टार्ट विद द असेट साइड, असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। सी कैश, कैश ₹78,000, हम कैश का डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है, तो कैश बढ़ सकती है, कम हो सकती है, कैश अकाउंट भी ओपन किया तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं साइड में ऐसे ही वर्किंग नोट बना रही हूँ। कैश का अगर हमने बनाया अकाउंट, तो उसका बैलेंस कितना है कैश का, 78,000।
राइट, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया 78,000। बाद में हम देखेंगे उसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है। कैश के बाद क्या दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर 64,000, राइट डाउन इनर कॉलम बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट। सन्ड्री डेटर 64,000, सी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट देखिए। सेकेंड एडजस्टमेंट, अ 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड इन डेटर्स। 64,000 के ऊपर कितना आरडीडी लेना है, 5%, सो लेस आरडीडी 5%, से 10% आएगा 6,400, सो 5% कितना हो गया 3,200, ओके 64,000 एंड 3,200, सो आउटर कॉलम 60,800। सेकेंड इफेक्ट ऑफ आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कौन से साइड लिखता है, डेबिट साइड। कोई भी असेट कम हो गई तो उसका इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द लॉसेस क्रेडिट द गेन। तो असेट कम हो गई तो डेबिट साइड लिखना है, बढ़ गई तो क्रेडिट साइड लिखना है। ये असेट कम हो गई है, राइट डाउन टू आरडीडी, यू कैन राइट डेटर्स ऑल्सो 3,200। After that, stock 40,000, stock के ऊपर भी adjustment है। हम पूरा पहले यहाँ पे balance sheet में effect दे देते हैं, बाद में profit and loss adjustment में देते हैं effect। Stock कितना दिया हुआ है, 40,000। See the adjustment, adjustment number 4, stock is appreciated by 5%, appreciation है, appreciation 5%। सो 40,000 इंटू 5%, सो इट कम्स 2,000, 10% 4,000 आएगा, 5% 2,000 एप्रिशिएशन है, यानी प्लस करना है, बढ़ गई है। इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाद में देते हैं हम। स्टॉक के बाद क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, राइट डाउन प्लांट एंड मशीनरी, हाउ मच इट इज 60,000। एडजस्टमेंट देखिए, अगेन एडजस्टमेंट नंबर 4, प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट करना है बाय 20%। सी एक ही एडजस्टमेंट है, स्टॉक इज एप्रिशिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, सो 20% कम्स 12,000, एप्रिशिएशन है 20%, 6 2 12, सो 72,000। इसका भी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या दिया हुआ है, फर्नीचर, फर्नीचर हाउ मच इट इज 22,000, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर कितना है 22,000 एंड डेप्रिशिएटेड बाय 20%, डेप्रिशिएशन है, यानी क्या करना है, माइनस करना है, लेस डेप्रिशिएशन 22,000 माइनस 4,400, सो इट कम 17,600, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, हम सब असेट ट्रांसफर कर रहे हैं और जो भी इफेक्ट है वो दे रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्ट आउटर कॉलम 32,000, ओके। अभी ये जितना हमने असेट का इफेक्ट दिया है प्लस माइनस, उसका हम इफेक्ट देते प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। सी देखिए, डेटर्स का हमने माइनस किया था तो डेबिट साइड लिख लिया है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक क्या किया है, एप्रिशिएट किया है, सो क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट कितनी थी अमाउंट 2000। जितने अमाउंट से हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, जो भी अमाउंट से हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, वही अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। जो आउटर कॉलम में है या ओरिजिनल अमाउंट है वो नहीं लिखनी, जितना प्लस या माइनस किया वही अमाउंट हमें लिखना है। बाद में प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी
कितना हुआ 12,000। देन फर्नीचर क्या किया है, डेप्रिशिएट, सो राइट डाउन डेबिट साइड फर्नीचर 4,400। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ प्लस माइनस हुआ नहीं है। तो असेट साइड हमने ओवर कर दिया ना, उससे लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड पहला आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, नो एडजस्टमेंट, लीव सम लाइन फॉर कैपिटल। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 80,000, सॉरी राइट डाउन आउटर कॉलम डायरेक्ट। आफ्टर दैट बिल्स पेबल, अगेन नो एडजस्टमेंट, बिल्स पेएबल 20,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट से स्टूडेंट हम लाइबिलिटी और असेट ट्रांसफर कर रहे हैं, असेट साइड हो गई है, अभी हम लाइबिलिटी साइड ट्रांसफर कर रहे हैं। जो एडजस्टमेंट नहीं है वो हमें डायरेक्ट एज इट इज ट्रांसफर कर देना है, कोई भी आइटम मिस नहीं करना है। ऑफ कोर्स ये टैली होने के लिए भी, और एक भी आइटम मिस किया तो उसके भी मार्क्स कट होंगे। और अगर सपोज आपका पूरा सम टैली भी नहीं हुआ, पर इतना जो भी हमने ट्रांसफर किया है, हर एक आइटम के क्या रहते हैं, मार्क्स अलॉटेड रहते हैं, तो उतने मार्क्स तो आपको मिल ही जाते हैं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा हम हर बार करते उसी तरह से, मेधा एंड राधा 1,20,000 एंड 40,000। उसके बाद जनरल रिजर्व 16,000, जनरल रिजर्व कितना है 16,000। और ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, 16,000 है जनरल रिजर्व, रेशियो क्या है 3:1, यानी 16,000 को 4 से डिवाइड करना है, 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000 मेधा के लिए है, और 4,000 × 1 तो राधा का कितना शेयर आएगा 4,000। सी जनरल रिजर्व, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड बैलेंस शीट में है तो उसमें शेयर सिर्फ किसका आएगा, ओल्ड पार्टनर्स का, यहाँ पे मेधा एंड राधा। तो जनरल रिजर्व मेधा और राधा को उनके ओल्ड रेशियो में हमने दे दिया तो 12,000 एंड 4,000। सो हमारी लाइबिलिटी साइड भी ट्रांसफर हो गई है, असेट साइड भी ट्रांसफर हो गई है। नाउ सी एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट, कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर इन फर्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2018 शी विल पे रुपीज 40,000। उसने कैपिटल के लिए कितना लाया, कैपिटल के लिए उसने लाया है 40,000। सो राइट डाउन, हम बैलेंस शीट में कैश दिया है तो यहाँ पे हम कैश ही लिखते हैं, बैंक लिखा तो भी चलेगा। कृतिका ने कितना लाया है 40,000। ओके, कैश अकाउंट हमने ऐसे ही रफ में यहाँ पे वर्किंग नोट में बनाया है तो वहाँ पे लिख लेते हैं डेबिट साइड टू कृतिकास कैपिटल अकाउंट 40,000। स्टार्टिंग में 78,000 था और कितना आया 40,000। उसके बाद क्या दिया है, एज हर कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड रुपीज 2,500 एज गुडविल। गुडविल के लिए उसने कितना लाया है 2,500, राइट। तो उसकी एंट्री क्या आती है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखते हैं हम, टू गुडविल कितना है 2,500। ओके, और ये बाद में गुडविल के क्रेडिट साइड जाएगा, बाद में गुडविल वहां से किसे जाएगा, ओल्ड पार्टनर को। तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाता है, टैली हो जाता है। ओके, गुडविल किसे हम ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा ला रहा है, बराबर, आज तक फॉर्म कौन चला रहा था, ओल्ड पार्टनर, उनकी वजह से इतना नाम हुआ है बिजनेस का, फॉर्म का। तो जो न्यू पार्टनर गुडविल के लिए शेयर लाता है वो किसे जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को। ओके, रेस किया नहीं है यहाँ पे। ओके, नहीं तो अदरवाइज हम कहाँ पे लिखते, बैलेंस शीट में आगे। सो गुडविल के लिए 2,500 राइट डाउन हियर बाय गुडविल अकाउंट 1,875 and 625। सी गुडविल का कितना था 2,500। ओके, ये हमने 3:1 में दोनों पार्टनर को दे देना है,
तो मेधा को कितने आ गए 1875 और राधा को 625, 3:1 में। तो यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट 1875 एंड 625, ओके। और कैश में पैसा आया तो हमने वो डेबिट साइड लिख दिया, और गुडविल का शेयर किसे जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट डेटर्स की सेकंड एडजस्टमेंट हो गई हमारी, थर्ड फर्नीचर की हो गई, फोर्थ स्टॉक की हो गई, फिफ्थ प्लांट एंड मशीनरी हो गई, तो सभी एडजस्टमेंट हमारी हो गई है। अभी लास्ट एडजस्टमेंट देखो, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन, ओके। लोन में करना है यहाँ पे ट्रांसफर से, हमने पहले के कुछ सम में देखा था, एक में कैश में एडजस्ट किया था, कभी बैंक में एडजस्ट किया था, कभी करंट अकाउंट में एडजस्ट किया है, यहाँ पे किस में एडजस्ट करना है, लोन में। सी स्टूडेंट, सिक्स एडजस्टमेंट में दिया हुआ ही था न्यू रेशियो, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 3:1:1, नीचे दिया हुआ भी है। सिक्स एडजस्टमेंट देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/5, 1/5 एंड 1/5। चलो ठीक है, जिसे नहीं आता है उनको समझ में आ जाएगा कैसे करना है न्यू रेशियो। तो ये हमने अभी न्यू रेशियो निकाल लिया है, ऐसे भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ ही था न्यू रेशियो। अभी आपको एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, कैपिटल एडजस्ट करना है न्यू रेशियो, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जैसे हमने लास्ट सम में भी किया है उसी तरह से। यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल, वर्किंग नोट में टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू पार्टनर शेयर इनटू कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर, रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू पार्टनर शेयर इनटू कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर का रेशियो कितना था, 1/5, तो उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे फॉर्मूला में देखो, 5 इंटू उसने कितना कैपिटल लाया, 40,000, सो 5 × 40,000 यानी टोटल कैपिटल कितना हो गया, ₹2,00,000, ओके। यानी वो 1/5 शेयर के लिए वो कितना ला रहा है, 40,000, तो टोटल जो शेयर है 5 उसके लिए कितना आएगा कैपिटल, 2,00,000, तो 2,00,000 ये कैपिटल आ गया। अभी हमें सभी पार्टनर्स का कैपिटल किसमें एडजस्ट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू पार्टनर का तो आ गया है 40,000, अभी मेधा का देखो, मेधा का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, टोटल कैपिटल कितना है, 2,00,000 इंटू उसका न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 3:1:1, यानी मेधा का रेशियो क्या है, 3/5, सो 2,00,000 में उसका 3/5 से शेयर कितना आएगा, 2,00,000 × 3/5, ओके। यहाँ पे 5×4=20, सो 40,000 × 3 दैट इज ₹1,20,000, ये मेधा का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आ गया। अभी राधा का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस 2,00,000 × राधा का शेयर क्या है, 1/5, सो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर, 40,000, ये आ गया राधा का क्लोजिंग बैलेंस, ओके। अगर आप तीनों का टोटल करोगे, कृतिका ने कितना लाया है, 40,000, तो 40,000 + 40,000 + 1,20,000 तीनों की टोटल आ जाती है 2,00,000, जो टोटल कैपिटल। अभी ये जो क्लोजिंग कैपिटल मिला है वो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे हमने लास्ट सम में किया है, बस उसी तरह से टू बैलेंस, मेधा का 1,20,000, राधा का 40,000 और कृतिका का 40,000, ये हमने बैलेंसेस लिख लिए। अभी जो भी बैलेंस आता है कोई भी साइड में, तो उसे कहाँ पे ट्रांसफर करना है, देखो एडजस्टमेंट, वापस से एडजस्टमेंट नंबर 5, बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन, कहाँ पे ट्रांसफर करनी है अमाउंट, लोन को, सो क्लोज दिस अकाउंट, और उससे पहले हमें क्या करना है, ये ट्रांसफर करने से पहले हमें रिवेल्यूशन अकाउंट क्लोज करना है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टेप बाय स्टेप जाना है, क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर दैट इज प्रॉफिट 14,000, ये किसे ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर्स को, टू प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन
transfer to Medha and Radha. Medha and Radha, 6,400. डिवाइड करना है दोनों पार्टनर को, यानी कितना आ गया, 4,800 एंड 1,600. यहाँ पे डेबिट साइड तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड राइट डाउन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4,800 एंड 1,600. ओके, नाउ क्लोज दिस. टोटल करनी है और जो बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर करना है हमें. यहाँ पे हमें दिख ही रहा है डेबिट साइड आएगा टू पार्टनर्स लोन में ट्रांसफर करना है अमाउंट. ओके, क्लोज दिस अकाउंट. कृतिका का 40,000, ₹46,225, 1,38,675. Medha का टोटल हो रहा है. जो बैलेंस आएगा उसे नाम दे देना है पार्टनर्स लोन. ओके, सो यहाँ पे बैलेंस आया उसे नाम दे दिया टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. बैलेंस 18,675 मेधा का एंड राधा का 6,225. ये क्या फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है. ये बैलेंस हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट बनाया और वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, 1,20,000, 40,000, 40,000. और बाद में जो बैलेंस आया उसे हमने ये नाम दे दिया. यानी जो न्यू रेशियो है, नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए सिर्फ 40,000 ला रहा है. तो राधा का अगर हम ये नहीं करते हैं तो राधा का बैलेंस कितना आता है यहाँ पे, 46,225. राधा का भी तो शेयर 1/5 है, तो वो क्यों ज़्यादा एफोर्ड करेगी, लाइक 6,225. मेधा का जितना शेयर है, जितना कैपिटल है 1/5 शेयर के लिए, उतना ही राधा का भी होना चाहिए. इसलिए जो एक्स्ट्रा का है उसे क्या नाम दे दिया है, पार्टनर्स लोन. यानी फर्म ने पार्टनर्स के पास से ये जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है वो क्या ले लिया है, लोन लिया है. यानी ये फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी है. समझ में आ रहा है. बस उसी तरह से मेधा का भी अगर हमने ये बैलेंस नहीं निकालते थे तो उसका कैपिटल कितना आता था, 1,38,675. पर वन शेयर के लिए अगर कृतिका 40,000 ला रही है तो थ्री शेयर के लिए मेधा का कितना होना चाहिए, 1,20,000. तो ज़्यादा का जो उसका पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है फॉर्म में, जिस दिन न्यू पार्टनर एडमिट हुआ उस दिन हमने सब मेजर किया, तो उसका जो ज़्यादा का कैपिटल है 18,675 वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, एज पर सम पार्टनर्स लोन. ओके, तो ये पार्टनर्स लोन में ट्रांसफर कर देना है. यहाँ पे क्रेडिट डेबिट साइड बैलेंस है, सेम एज इट इज कहाँ पे लिख लेना है, लाइबिलिटी साइड. जैसे हम बैलेंस भी यहाँ पे आते हैं कहाँ पे लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड. ये जो लोन है वो एक तरह का क्या हुआ, फॉर्म के लिए लाइबिलिटी हो गई है. राइट डाउन हियर पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन मेधा एंड राधा, मेधा एंड राधा 18,675 एंड 6,225. और दोनों की टोटल आउटर कॉलम में 24,900. ये हो गया लोन. अभी ये जो बैलेंसेस है 120, 40, 40 वो हमें ट्रांसफर करना है. राइट डाउन पार्टनर्स कैपिटल
मेधा, राधा एंड कृतिका, वन लैख 20,000, 40,000 एंड 40,000, यानी टोटल हमने ऐसे भी टोटल कैपिटल वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ ही है 2 लाख, बस वही 2 लाख। ओके, अभी हमारा एक क्या बचा है, सिर्फ कैश का अमाउंट ट्रांसफर करना। हमने ये छोटा सा वर्किंग नोट बनाया था, नहीं बनाया तो भी चलता है। अब डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है, 78,000। कृतिका ने कितना लाया है, 40,000, और गुडविल के लिए कितना है, 2,500। यानी टोटल बैलेंस कितना हो गया, 1,20,500। ये हो गया बैलेंस कैश का। तो ये हमें यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखना है, 1,20,500। नाउ क्लोज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्लोज कर लो। 2 लाख, 3 लाख एंड 44,900। सो 3 लाख 44,900, आप लोग भी चेक कर लो, 3,44,900। ओके, राइट, बोथ साइड 3,44,900। सो इट्स इजी ना स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो स्टूडेंट्स, हमने आज तक 7 सम हमारे सॉल्व हो गए हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के। आप लोग रिवाइज करो सभी सम को और बिना देखे सॉल्व करने का ट्राई करो। और आप लोग प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको SP अकाउंट, रिड्यूस सिलेबस जो है, और जो पेपर पैटर्न है इस साल के लिए उसका मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाया, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। SP का हमारा चैप्टर 10 तक ओवर हो गया है, अभी 11 एंड 12 दो ही चैप्टर बाकी है, तो वो मैं जल्दी से कवर करने की कोशिश करूँगी। और बाद में हम रिविजन सीरीज रखेंगे यहाँ पे, वो भी मैं इसमें वीडियोज डालने का ट्राई करूँगी। तो आप वो प्लेलिस्ट में देख लो, और जो भी 12th के स्टूडेंट है आपको पता है उनको ये शेयर करो, एंड लाइक एंड कमेंट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।